नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। इस समय आप श्रृंगार शतक देख रहे हैं। महाकवि भर्तृहरि की अनुपम कृति है, आपसे कहा है। एक सुंदर सा श्लोक देखते हैं, बाले लीला मुकिलित ममी सुंदरा दृष्टि पाता किम छिप्यन्ते विरम विरम व्यर्थ एष श्रमस्ते संप्रत्यन्ये वयमुपरतम बाल्यमास्थावनान्ते क्षीणो मोहः तृणमिव जगज्जालमालोकयामः। भाई 93 मा श्लोक है, बड़ी प्रशंसा कर ले स्त्रियों की, काफी उनसे डर भी लिया, उनको डरा भी लिया। हमारे एक दर्शक ने तो पूछ लिया कि कहीं निंदा करते हैं, कहीं प्रशंसा करते हैं, कहीं अच्छा कहते हैं, कहीं बुरा कहते हैं, तो हम स्त्रियों के बारे में क्या समझें, अच्छा समझें बुरा समझें? भैया जब पाला पड़ेगा अपने आप पता चल जाएगा। अगर किसी अच्छी से पाला पड़ गया तो सारी जिंदगी स्वर्ग का आनंद प्राप्त करोगे, और किसी ऐसी वैसी से पाला पड़ गया तो सारी जिंदगी बिना नरक में गए नरकी यातना भोगने को मिलेंगी, ये स्वाभाविक है। और ये सिर्फ स्त्रियों की वजह से पुरुषों के साथ होता है ऐसा तो है नहीं, पुरुषों के कारण स्त्रियों की भी जिंदगी इस प्रकार की हो जाया करती है। लेकिन गृहिणी गृह मुच्यते कहा जाता है कि घर तो घरवाली से होता है, इसलिए स्त्रियों का इसमें जो दृष्टिकोण होता है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब यहां महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि हे सुंदरी, ये तुम्हारी जो लीलापूर्ण अदापूर्ण दृष्टिपात है ना, अब बेकार है। विरम विरम, अब बस करो बस करो। किम छिप्यन्ते, क्यों बार बार मेरे ऊपर इस प्रकार तिरछी नजरों से मुझे देखती हो, ऐसी भाव भंगिमाएं मेरे ऊपर क्यों डालती हो? व्यर्थ एष श्रमस्ते, अब तुम्हारा ये श्रम जो है वो व्यर्थ है, अब इसका कोई फायदा नहीं है। भैया एक एज के बाद भी आप ऐसा सोच सकते हैं, एक उम्र के बाद भी ऐसा हो सकता है, लेकिन उम्र होने के बाद ऐसा हो तो फर्क नहीं पड़ता है। ये तो दांत नहीं है इसलिए आप चने नहीं खा पा रहे हैं, तो भैया इसमें इंद्रिय निग्रह नहीं है या इसमें आपकी कोई श्रेष्ठता नहीं है? दांत होते हुए भी आप चने ना खाएं तब यह है कि आपने इंद्रियों का निग्रह किया है। यहां कवि कहते हैं कि संप्रत्यन्य वयमुपरत, भाई अब मैंने ये सारे जाल जंजाल झंझट छोड़ दिए, अब तुम चाहे तिरछी नजर से देखो, चाहे अपना कटि प्रदेश बताओ, चाहे जो कुछ तुम्हें जिस प्रकार से जिस हाव भाव का प्रदर्शन करना है, अलकें झटको, पलकें झपकाओ, अंग प्रत्यंग का सौष्ठव दिखाओ, व्यर्थ एष श्रमस्ते, तुम्हारा ये सारा परिश्रम, तुम्हारी ये सारी मेहनत बेकार है। क्यों? क्षीणो मोहा तृणमिव, अब मैंने मोह का परित्याग तिनके की तरह कर दिया है, अब मुझे इस संसार में वो प्रकाश दिखाई देता है कि जिस प्रकाश के सामने तुम्हारा ये सारा सौंदर्य का वैभव जो है वो बिल्कुल ही सामान्य है, या ये कहिए वो तो मुझे व्यर्थ और निकृष्ट मालूम पड़ता है। भैया कोई बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति है अगर वो अपने जीवन में इस स्थिति में पहुंच पाया है कि स्त्रियों की सौंदर्य से आगे बढ़ के वो ईश्वरीय सौंदर्य के दर्शन करने लगे। देखिए एक सुंदर कथा आज आपको सुनाता हूं, भक्तमाल की यह कथा है। एक भक्त
भगवान के मंदिर में जाकर के पहुंचा। उसकी इच्छा ये थी कि उसका जो भाई है वो किसी तरीके से सुधर जाए। उसका भाई बिगड़ा था, अरे वो एक वेश्या के प्रेम में इस प्रकार से था कि वेश्या चले तो उसके ऊपर छाता लगा के और उसकी तरफ मुंह रख के और स्वयं उल्टा चलता था। उल्टा किस लिए चलता था? क्योंकि उसको उसका सौंदर्य इतना अच्छा लगता था कि एक सेकेंड के लिए अपनी आंखों के सामने वो उसके चेहरे को ओझल नहीं होने देना चाहता था। बगल में चलोगे तो भैया फिर भी उतनी अच्छी तरीके से तो चेहरा नहीं दिखाई देगा ना। उस दिन वेश्या भगवान के मंदिर में दर्शन करने गई थी तो उस भक्त को मौका मिल गया और उसने भगवान से प्रार्थना की कि कुछ ऐसा करो प्रभु कि मेरा भाई जिसकी इतनी जग हसाई होती है इसके इस व्यवहार के कारण किसी तरीके से सुधर जाए। अब उसकी प्रार्थना वहां बैठे पुजारी जी सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो प्रभु ये अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है, ये किसी व्यक्ति के लिए मांग रहा है और वो व्यक्ति भी हृदय का बुरा नहीं है, प्रेम करना तो उसको आता है, लेकिन उसको जो सबसे सुंदर दिखाई दे रहा है वो उसके साथ प्रेम करता है, आज एक झलक अपनी दिखा दो। और मंदिर में आकर के पहुंचा तो वेश्या तो भगवान के दर्शन कर रही है और वो अभी भी वेश्या के दर्शन में लगा हुआ है। तब पुजारी जी ने उससे कहा कि भैया मंदिर में आके आप ऐसा कर रहे हो? अरे मेरा तो भगवान, मेरा तो इष्ट, मेरा तो ईश्वर बस यही है, इसलिए मुझे आपकी इस मूर्ति वूर्ति से कोई लेना देना नहीं। उनने कहा ये मूर्ति नहीं, ये साक्षात सौंदर्य की मूर्ति है, तुम जिसके सौंदर्य पे मोहित हो ना ऐसी तो हजारों मूर्तियां उनके सामने कुछ नहीं है, एक बार देख के तो देखो। जैसे ही उसने सुना कि इससे भी सुंदर कुछ हो सकता है तो भैया यही तो व्यक्ति का स्वभाव होता है, तुझसे प्यारा कोई मिला छोड़ा तुझे तो क्या है गिला, वो तुरंत मुड़ के देखता है और जिस समय उसने मूर्ति की तरफ देखा है उन पुजारी ने उसके उस भक्त भाई ने जिस प्रभु की लीला का दर्शन नहीं किया था, जिस प्रभु का दर्शन नहीं किया था, प्रभु की वो एक छटा उसको वहां देखने को मिलती है और दूसरे ही क्षण हाथ में से छतरी फेंक देता है और वेश्या की तरफ देखना बंद कर देता है और फिर उसका पूरा ध्यान उसी मूर्ति के सौंदर्य में ऐसा वो खो जाता है कि वो परम भक्त बन जाता है। भैया जीवन में प्रेम करना आना चाहिए, आप किसी व्यक्ति को करो, किसी वेश्या को करो, किसी पत्थर को करो, किसी को भी करो, अगर आपको प्रेम करना आता है तो कब आपकी इश्क मिजाजी इश्क हकीकी बन जाएगी, थोड़ा सा कोई गुरु ऐसा मार्गदर्शन देने वाला मिल गया तो जो काम वासना वाला प्रेम है वही प्रेम अगर ईश्वर के साथ जुड़ गया तो भैया जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो प्रेम करना आना चाहिए, इनको प्रेम करना तो आता था लेकिन अभी तक जो ये स्त्री के प्रेम में पड़े रहते थे आज इनकी आंखें खुल गई हैं और आंखें खुलने के बाद अब ये उस स्त्री से कह रहे हैं कि तुम कुछ भी करो अब मुझ पे तुम्हारे इन हाव भाव कटाक्ष का कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैंने अब उस परम आलोक के दर्शन कर लिए हैं। तो भैया सबके जीवन में ये परम आलोक आए ऐसी शुभकामना। धन्यवाद, मैं हूं डॉक्टर हरि।